दो नंबर का रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिखिएगा। जब प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, स्पेलिंग लिख दें फ्रीक्वेंसी का। एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई। देखिए इसमें बहुत ऐसे बच्चे जो 11 से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि बेटा हम अपने धुन में पढ़ाते रहते हैं, कभी क्लास में टेंशन उदास नहीं होते, लेकिन जब परेशानी होती तभी हम उदास रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी है अभी। आप सामने कल जो वीडियो दिए थे 2 मिनट का देखे होंगे, बड़ा एकदम उदास थे, एकदम बोलने का मन नहीं कर रहा था, ये जान लीजिए। ठीक है, समझिए, कल 2 से लेकर 5 तक हम यहाँ पे रहे, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 7 बजे तक यहाँ रहे, लेकिन पढ़ाई को बेचने, पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा था, दरअसल नहीं कर रहा। देखिए, जब प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है तो नहीं नहीं क्वेश्चन अभी, जब प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर में लिखिएगा। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको एमआई कर दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, स्नेल का नियम किस सरफेस के लागू, अगला क्वेश्चन लिखेगा, स्नेल का नियम किस सरफेस के लिए लागू होता है। स्नेल का नियम किस सरफेस का स्पेलिंग है SURFACE। स्नेल का नियम किस सरफेस के लिए लागू होता है, आंसर में लिखिएगा, स्नेल का नियम सभी सरफेस के लिए लागू होता है। स्नेल का नियम सभी सरफेस के लिए लागू होता है।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखना है, समतल दर्पण के आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, समतल दर्पण के आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है। आंसर में लिखिएगा, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान, आंसर में लिखना है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान प्लस वन होता है, प्लस वन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखना है, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस का फोकस लंबाई क्या होती है। आंसर में लिखिएगा, कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई कन्वेक्स कन्वेक्स समझते हो ना, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि कनकेव लेंस, कनकेव बोले तो अवतल, जबकि कनकेव लेंस की फोकस लंबाई जबकि कनकेव लेंस की फोकस लंबाई हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है। अतः कन्वेक्स लेंस की क्षमता 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 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव धनात्मक। तो फोकस लंबाई ऊपर में लिखाए हैं क्या यार तुम लोग, एकदम जो लिखाए चुपचाप लिखते चलिए, बोलिए नहीं। देखिए बेटा, मैं जो भी लिखाता हूँ पूरे होश आवास में लिखाता हूँ। अतः क्या लिखा रहे तेरे, अतः कन्वेक्स लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है एवं कनकेव लेंस की क्षमता निगेटिव होता है।
निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई, नहीं है लिखो नहीं, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई किन किन बातों पर निर्भर करती है? यस, एक कन्वेक्स लेंस की, नींद में क्या रे वो लड़का, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई किन किन बातों पर निर्भर करती है? आंसर में लिखिएगा, एक के बात करती है, करता है, आंसर में लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई, आंसर में लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, डाइज देखे पहला नंबर लिखेगा, लेंस के पहला नंबर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, पहला नंबर लिखिएगा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, दूसरा नंबर लिखिएगा, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दूसरा नंबर लिखिएगा, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के पदार्थ के अप, दूसरा पॉइंट है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, तीसरा नंबर लिखिएगा, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कांच के समतल प्लेट, अगला क्वेश्चन लिखना है, कांच के समतल प्लेट कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या, कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या, कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या एवं क्षमता क्या होती है? एवं क्षमता क्या होती है? आंसर में लिखिएगा, आंसर में कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या,
कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कांच के समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है एवं इसकी क्षमता शून्य जीरो एवं इसकी क्षमता जीरो होती है एवं इसकी क्षमता जीरो होती है। देखिए एक क्वेश्चन और लिखाना है, लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है। और अभी आपके पास समय भी एक दो मिनट का ही है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको कल लिखा देंगे आंसर। लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस, क्वेश्चन लिखिएगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अभी बेटा देखिए सुबह सुबह एक लड़का दो तीन लड़का को इतना कस के मुक्का लगता कि वो बेटा एकदम मेरा सारा गुस्सा उसी पे निकल जाता, लेकिन संजोग ऐसा था कि वो मोबाइल नहीं निकाला था, वो ऐसे पेन देख रहा था। तो सबको दिखा रहा होगा, देखा पेन और कितना नोक पतला मोटा है, सब तीन चार को दिखा रहा होगा, अब भगवान जाने क्या पतला मोटा दिखा रहा था वो, ठीक है। तो हम उधर से आए तो हमको लगा सब मिलके मोबाइल देख रहा है, बस कस के मुक्का निकाल भी की थी, ठीक है। तो तब तक मैं देखते हैं कि पेन दिखा रहा है, तो समझिए मुक्का को रोकते रोकते बेंच पर हाथ पटका गया, लेकिन मारे नहीं। बिना गलती के हम मारते नहीं हैं, और गलती करने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो देख बेटा, अब बेटा कल नहीं, बेटा नहीं पढ़ा पाएंगे कल, सुनिए कल सुनना पहले। हाँ बेटा सुनिए, एग्जाम के जहाँ तक बात है 25 तारीख से निश्चित एग्जाम दीजिए बेटा। अगर नाम काट देगा तो दुनिया का कोई ताकत बेटा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा सुनो, अगर कोई बच्चे एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो क्लास का टेंशन मत लीजिएगा, जो भी क्लास हम लेंगे वीडियो रिकॉर्डेड करेंगे, वीडियो आपके ग्रुप में भेज देंगे। हाँ शाम में क्या बोले ना, हाँ सामने बताएंगे, चलिए ठीक है।